सबको परम शांति। अभी कुछ दिन पहले क्वांटम हीलिंग के ऊपर एक वीडियो आया था, और मैं अक्सर डिजीज़ के बारे में भी ज्ञान को लेकर और मॉडर्न साइंस को लेकर सोचती हूँ। तो यहाँ भी एक कोरिलेशन मेरे मन में आया कि हमारे शरीर का जो प्रकाश तत्व है वो एग्जैक्टली हमारे शरीर में क्या कर रहा है। दूसरी तरफ क्वांटम हीलिंग में ये चीज़ देखी गई कि जब कोई भी व्यक्ति, मतलब ऐसे ऐसे केसेस देखे गए कि वो चाहे किसी भी हाई स्टेट के अंदर, मतलब बहुत ही एडवांस डिजीज़ की स्टेट में भी थे, और जब उनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप मेडिसिन के थ्रू नहीं, आप मेडिटेशन के रास्ते पे जाकर ठीक हो सकते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करके ठीक हो सकते हो, तो क्वांटम हीलिंग में ऐसा देखा गया कि कुछ लोग ठीक हो गए और कुछ लोग ठीक नहीं हुए। तो मन में मेरे ये पढ़ने के बाद ये मन में प्रश्न आया कि ऐसा क्यों हुआ कि ये प्रिंसिपल कुछ आत्माओं पे अप्लाई हुआ और कुछ लोग रिकवर हो गए, और ऐसी डिजीज़ से मतलब रिकवर हो गए जिनको मॉडर्न साइंस के पास, जिनका आज कोई इलाज ही नहीं है, और कुछ लोग रिकवर नहीं हुए। तो व्हाई, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ द वेरिएशन। एक दूसरा मेरे अंदर हमेशा एक डिजीज़, कोई भी डिजीज़ जब हमारे शरीर में होती है उसका रूट लेवल क्या है, ये मेरे अंदर जानने की बहुत गहरी इच्छा रहती थी। मुझे ये लगता है कि इसका भी आंसर मुझे कुछ हद तक मिलने लगा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम क्वांटम हीलिंग की बात करते हैं तो क्वांटम हीलिंग का मतलब है कि हम क्या हैं, हम बेसिकली एनर्जी बींग्स हैं। तो जब हम अपने आप को एनर्जी बींग्स कंसिडर करते हैं तो एनर्जी की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है पार्टिकल लाइक करेक्टर, एक होता है वेव लाइक करेक्टर। पार्टिकल लाइक करेक्टर हमारे शरीर में मैटर का निर्माण करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी पंच तत्व बने हुए हैं वो किसी न किसी मैटर से मिलकर बने हैं। तो हमारे शरीर के अंदर हमारी एनर्जी का पार्टिकल लाइक करेक्टर क्या कर रहा है, हमारे शरीर में मैटर का निर्माण कर रहा है। दूसरा है हमारे शरीर का वेव लाइक करेक्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वेव लाइक करेक्टर हमें क्या कर रहा है, हमें इस पूरी की पूरी एंटायर सृष्टि, एंटायर क्रिएशन के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो हम कहते हैं ना कि हम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, या भगवान को हम अपने मन में सोचते हैं और भगवान हमारी बात तुरंत जान लेते हैं। तो ये सब कौन रेगुलेट कर रहा है, ये है हमारा वेव लाइक करेक्टर। वेव का मतलब जहाँ भी वेव्स होती हैं वो आपस में कोहरेंस का इफेक्ट शो करती हैं, मतलब सिमिलर वेव्स आपस में कंबाइन हो जाती हैं। इसी तरह से जब हम कहते हैं ना कि जब हम अच्छा सोचते हैं अच्छा करते हैं तो अच्छा ही अच्छा आता चला जाता है, मतलब जो हम दुनिया में देते जा रहे हैं वही कर्म हमारे पास वापस लौट के आ रहे हैं। तो कोई मैकेनिज्म होगा ना कि कैसे वापस आ रहा है ये लौट कर, कैसे हमारे शरीर का हिस्सा बन रहा है, कैसे हमारे व्यवहार का हिस्सा बन रहा है। तो इसी तरह से ये है हमारा वेव लाइक करेक्टर, और ये वेव लाइक करेक्टर हमारे शरीर में कौन रेगुलेट कर रहे हैं, हमारे शरीर का प्रकाश तत्व। अब इसको हम देखते हैं कि देखिए, पहली बात कि जब कुछ लोग, जैसे मैंने भी वो बुक पढ़ी, मैंने कुछ ही एक दो चैप्टर्स ही पढ़े थे, तो मैंने उसमें देखा कि कुछ ऐसे केसेस गए कि जो फोर्थ स्टेज में, बहुत ही एडवांस स्टेट में चले गए, और डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया कि आप ये मेडिटेशन करो कि आपके शरीर की वाइट ब्लड सेल जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं वो आपके कैंसर सेल को किल कर रही हैं। और कुछ लोगों ने उसको बड़ा डेडिकेटली इम्प्लीमेंट किया और कुछ महीने बाद देखा गया कि वो रिकवर हो गए। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि मन की ही स्थिति ने उस इंसान को क्योर कर दिया। इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितना अमेजिंग हीलिंग पोटेंशियल है। तो हम हर समय एक नेगेटिव पाथ को ही अडॉप्ट करते हैं और हम पॉजिटिव पाथ की तरफ जा ही नहीं पा रहे, मतलब हमारे अंदर ही एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है और हम उसे नहीं समझ रहे, और हम ये सोच रहे हैं कि हम बाहर से कोई मेडिसिन खा करके हम ठीक हो जाएंगे, यही गलत रास्ता है। ये कैसे है? देखिए, मन को पहले हमें समझना होगा, हमारे शरीर के अंदर जो ये प्रकाश तत्व है और जो भी हम बोलते हैं इसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे प्रकाश तत्व में होती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मन क्या है, हमारे शरीर की वाइब्रेशनल फील्ड है, और पूरी क्रिएशन के अंदर भी ये जो वायु तत्व है, जो आकाश तत्व है, इनके अंदर भी हाई एनर्जी फील्ड्स हैं। और हम क्योंकि एनर्जी बींग्स हैं तो हमारे शरीर का वेव लाइक करेक्टर हमें सिमिलर एनर्जी फील्ड,
के वेवलाइक करेक्टर से कनेक्ट कर देता है। इसलिए जब हम किसी नेगेटिव पाथ की ओर जाते हैं, आप देखेंगे जैसे पहले भी देखा गया कि मान लीजिए किसी एक इंसान के अंदर एक छोटी सी चोरी की आदत बचपन के अंदर थी, पता लगा वो बड़ा होकर के आगे डाकू बन गया। कोई मैकेनिज्म होगा ना कि जो बचपन से ही पहले चुराता था, ये एक बिहेवियर था, वो बाद में जाके डाकू क्यों बन गया? क्योंकि उसी की वही आदत बढ़ गई। तो ये आदत के बढ़ने का मतलब क्या कि उसके शरीर के मन ने, या हम ये कहें कि उसके शरीर के मन की उस वाइब्रेशनल फील्ड ने उसे बाहर, क्योंकि बाहर क्या है, हाई एनर्जी भी है लो एनर्जी भी है, जिसने जो कर्म किया उसी से ही ये पूरा का पूरा वातावरण बना। जो भी कर्म हुआ वो हर कर्म की रिकॉर्डिंग है इसमें। तो हाई एनर्जी और लो एनर्जी फील्ड दोनों ही आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आप अंदर से जो हो वही आप बाहर से ग्रहण करते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो ये एनर्जी बीइंग्स हैं हम, उसकी जो हर इंडिविजुअल की अपनी एक इंडिविजुअल वाइब्रेशनल फील्ड है, और वो वाइब्रेशनल फील्ड ही बाहर की वाइब्रेशनल फील्ड्स के साथ कनेक्ट होती है। यही एक मैकेनिज्म है, और फिर वही सिमिलर वेव्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वही एनर्जी उसके अंदर और रेस्टोर होती जाती है, रेस्टोर होती जाती है, रेस्टोर होती जाती है, और वही उसका एक पर्टिकुलर पक्का संस्कार बन जाता है, वो चाहे अच्छा हो वो चाहे बुरा हो। अब हम देखते हैं कि हमें ज्ञान क्या समझाता है। हमें ज्ञान ये समझाता है कि हर आत्मा आपस में एक दूसरे से अलग अलग है, हर आत्मा की ताकत भी अलग अलग है, क्योंकि हर आत्मा का क्रिएशन और उसका निर्माण अलग अलग जगह पर हुआ है। आत्मा शिवपुरी में भी बनी है, विष्णुपुरी में भी बनी है, ब्रह्मपुरी में भी बनी है, ब्रह्मांड में भी बनी है, गैलेक्सी में भी बनी है, यूनिवर्स में भी बनी है, ग्रेट यूनिवर्स में भी बनी है। तो हर एक के अंदर जो इंटरनल एनर्जी का रेस्टोरिंग पोटेंशियल है वो हर एक का अलग अलग है। अब मान लीजिए हम दो केस कंसिडर करते हैं कि क्वांटम फील्ड आज की तारीख में ये नहीं जानती कि ये जो वेरिएशन आया कि कोई रिकवर हो गया सेम पाथ को बताकर और कोई रिकवर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ और कोई क्यों हो गया, है ना? इसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे अंदर तुरंत बदलाव कभी भी हम महसूस करें तो हमारे अंदर कंडीशन पर तुरंत बदलाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक इंसान कैंसर के बहुत हाई स्टेट में पहुंच गया और वो डॉक्टर के पास विजिट करता है, डॉक्टर उसको बताता है कि आप बिल्कुल एडवांस स्टेट में हो, आपके बस लाइफ स्पैन इतना ही बचा है। तो अब दो तरह के आत्मा हैं। एक आत्मा तो ये है कि अच्छा कैंसर का नाम सुन के ही फर्स्ट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स माइंड में क्या आएगा कि इसका तो अब कोई इलाज नहीं है, अब मेरी लाइफ बिल्कुल कम है। ये ऑटोमेटिक एक पाथवे है, यू नो, जो इमिजिएटली ही शुरू हो जाएगा, है ना? तो हम कहते हैं ऐसे ये पाथवे है, मतलब ये एकदम शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही एक पर आत्मा की, क्योंकि इंटरनल पोटेंशियल अलग अलग है हर आदमी का, तो हर आत्मा की जो पोटेंशियल है वो अब अलग अलग तरह से अपने आप के लिए तैयारी करेगा। कोई हीलिंग का पाथ को अडॉप्ट करेगा और कोई हीलिंग के पाथ को अडॉप्ट नहीं करेगा। कोई सेम रेगुलर मेडिसिन पे ही जाएगा जो लोग फॉलो करते हैं, कीमोथेरेपी है। कुछ ऐसे पेशेंट देखे गए जिसने कहा मुझे कोई कीमोथेरेपी नहीं करानी, मैं तो अपने पाथ पे जाऊंगा। तो क्या है, ये डिसीजन जो मेकिंग कैपेबिलिटी है ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये आत्मा की पावर पे डिपेंड कर रही है, राइट? अब हम देखते हैं कि यही आत्मा की पावर, अब जब उसने मान लीजिए कि एक हम यदि एक कॉमन रिस्पॉन्स देखें और कोई कहे कि आप बिल्कुल आप लास्ट स्टेज में हो, तो क्या होगा कि एक माइंडसेट होगा, ऑटोमेटिक माइंडसेट होगा कि उसको जो भी रास्ता मिलेगा वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मानते हैं कि कोई एक आत्मा ऐसी है जो अंदर से पावरफुल है, वो उस बात को सोचती है कि देखो बाहर तो मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, दवाओं के सहारे तो मैं ठीक हो नहीं सकता, तो क्यों ना मैं एक ऐसे रास्ते को अपनाऊं जो मुझे डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर मुझे ये समझा रहा है कि मैं यदि सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को इस मेडिटेशन के थ्रू चेंज करूँ तो मैं चेंज हो सकता हूँ। अब क्योंकि उसके पास और रास्ते तो हैं ही नहीं, उसे पता है मैं दवा से ठीक हो नहीं सकता, उसे पता है कि कीमोथेरेपी के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो उस समय में ये उसकी चॉइस है कि वो एक सेफ पाथवे को अडॉप्ट करेगा। और जो आत्मा अंदर से पावरफुल है और सेफ रास्ते को अडॉप्ट कर लेती है, उसी समय में वो अपने हीलिंग मैकेनिज्म को इनिशिएट कर देती है। और जब वो प्रोग्रामिंग चेंज करती है, ये जब उसने इनिशिएट किया तो उसने अंदर से इस डिसीजन में भी क्या करा, अपने मन के अंदर की वाइब्रेशनल फील्ड को चेंज कर दिया। अब वो उसी समय में क्या करेगा, वो बाहर के भी उसी वाइब्रेशनल फील्ड से ही कनेक्ट हो जाएगा, और उसके अंदर वो धीरे 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 जैसे जैसे मेडिटेशन करता जाएगा वो उसी एनर्जी फील्ड का अब एक रिसीवर बन गया। और क्योंकि वो उसी एनर्जी से डेफिसिट था, वो अपने उसी एनर्जी डेफिसिट को ही मेडिटेशन के थ्रू पूरा कर रहा है, अपनी आत्मा की पावर को बढ़ा रहा है और एक पॉजिटिव एनर्जी फील्ड अपनी बॉडी को दे रहा है। और सेल क्यों बीमार पड़ी, या वो इंसान क्यों बीमार पड़ा, वो सेल एनर्जी डेफिशिएंट क्यों हुई, उसका भी एक रीज़न है।
वो मैं अभी बाद में बताती हूँ। तो इसी तरह से क्या है कि जब क्वांटम फील्ड क्या है, बेसिकली क्वांटम फील्ड को हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे मन की वाइब्रेशनल फील्ड है जो हमें इस पूरी क्रिएशन के साथ उसी वाइब्रेशनल फील्ड से कनेक्ट करती है। तो जिसने बिल्कुल ही फर्म डिटर्मिनेशन के साथ एक पहले पॉजिटिव डिसीजन लिया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो धीरे 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 जैसे वो अपना उसे इम्प्लीमेंट करता चला जाएगा, वो उस पावर को अपने अंदर रेस्टोर करता चला जाएगा। और सेल बीमार मतलब डेफिशिएंट इसलिए हुई थी क्योंकि एनर्जी कम थी, अब वो उसी एनर्जी को मेडिटेशन के थ्रू या पॉजिटिव वाइब्रेशंस के थ्रू अपनी उसी एनर्जी डेफिसिट को क्योंकि पूरा कर रहा है, तो वो सेल बिना किसी मेडिटेशन के रिकवर हो गई, सॉरी बिना किसी मेडिसिन के रिकवर हो गई और वो इंडिविजुअल ठीक हो गया। जो आत्मा की पावर कम थी उसने कीमोथेरेपी का रास्ता अपनाया, उसने वही रास्ता अपनाया। और कुछ ऐसे ही आत्मा बहुत ही कमज़ोर भी रही होंगी कि जिसने सुना मुझे कैंसर, पता लगा 6 महीने बाद जाना था, वो 2 महीने में ही चला गया या 1 हफ्ते में ही चला गया। तो दिस डिफरेंस इज बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनल पावर ऑफ द सोल कि वॉट डिसीजन इट इज टेकिंग। तो ये भी एक बिहेवियर ही है जो हमने अभी पिछले वीडियो में बताया। अब दूसरी चीज़ कि हमारे अंदर शरीर में बीमारी का आज की तारीख में मूल कारण क्या है, ये भी मैं बहुत गहराई से कई बार समझने की कोशिश करती हूँ कि कलयुग के अंदर हम हालांकि बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं, बहुत नई नई फील्ड्स आ रही हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स और दुनिया भर की चीज़ें जिनके नाम भी हमने आज से 10 साल पहले भी नहीं सुने थे। आज इंसान ज़्यादा टेस्टिंग की ओर, ज़्यादा परफेक्टनेस की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी नई नई डिजीज़ को अपने अंदर इनबिल्ट करता जा रहा है और मिलियंस ऑफ मनी खर्च करने के बाद भी आज उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं हल निकलता, इसको मैंने स्पिरिचुअल पाथ पे चलकर समझने की कोशिश की। देखिए मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात समझ पाई कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं जिसमें से हमारे शरीर के अंदर 70-80% पानी और 20% और तत्व हैं। इसका मतलब हमारे शरीर की हेल्दी स्टेट का मतलब है कि इन्हीं 5 तत्वों का बैलेंस होना, और शरीर में किसी भी डिजीज़ का अर्थ है इन्हीं 5 तत्वों का डिसबैलेंस होना। जब कोई भी तत्व ज़्यादा हो जाएगा और कोई भी तत्व कम हो जाएगा तो यही इम्बैलेंस ही कोई डिजीज़ है, बहुत ही कॉमन तरीके से देखें। आज को हम क्यों बदल गए, आज हम बदल गए अपने लाइफ स्टाइल के कारण। आज हमने क्योंकि हमने क्या करा, हमारा जो लाइफ स्टाइल पहले होता था, आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आज हमारा जिस तरह से रहने का तरीका है, हम धीरे 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 नेचर से दूर जा रहे हैं। धीरे धीरे नेचर से दूर जा रहे हैं और यही नेचर से दूर जाना हमारे शरीर को चेंज करता चला जा रहा है, हमारा खाने पीने का तरीका, और ये आपस में बहुत डीपली कोरिलेशन है। देखिए हम यदि पहले देखें तो मुझे नहीं लगता कि लाइक पहले के किसी भी युग में राक्षसों के अलावा मानव के रूप में कोई भी मांस खाता होगा। तो ज़्यादातर क्या थे, सब शाकाहारी थे। अच्छा, शाकाहारी का मतलब कि हम कोई भी डाइट ऐसी खा रहे हैं जो हमें प्लांट से मिल रही है, ठीक। अब हम एक चीज़ देखें कि हम यदि प्रकृति को ध्यान से देखें, तो एक दिन मैं ऐसे सोच रही थी कि कोई तो कारण होगा कि भगवान ने पेड़ को एक जड़ बनाया, मतलब जड़ बनाया और उसकी पोजीशन को फिक्स कर दिया। दुनिया के अंदर हर क्रिएचर, चाहे वो एक माइक्रोब तक क्यों ना हो, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, लेकिन प्रकृति ने अपने इस सिस्टम में ऐसी व्यवस्था क्यों की कि पेड़ जो है वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, उस पेड़ की जगह फिक्स कर दी। इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। दूसरी चीज़, इसका मुझे एक जो सबसे अच्छा एक रीज़न समझ में आया, वो मुझे ये आया कि देखिए हमें जो एनर्जी मिलती है, हम कॉन्स्टेंटली हम एक पूरे क्रिएशन के एनर्जी पूल से कनेक्टेड हैं, हम अलग नहीं हैं। ये बात अलग है कि वो हमें एनर्जी फील्ड दिखाई नहीं देती, लेकिन हम एनर्जी फील्ड से कनेक्टेड हैं। हमें डायरेक्टली सन से एनर्जी मिलती है, हमें मून से एनर्जी मिलती है, हमें स्टार से एनर्जी मिलती है, वायु तत्व के अंदर अपना एक एनर्जी फील्ड है, तो हम एनर्जी से कनेक्टेड हैं। अब कोई भी प्लांट अच्छा, कुछ इस एनर्जी फील्ड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अब जैसे वायु तत्व था, हमने इंडस्ट्रीज लगाई, केमिकल्स रिलीज हुए, तो हमने क्या करा, हमारे इस कर्म से वायु तत्व अफेक्टेड हो गया, है ना। तो ये एनर्जी फील्ड हमारे इस कर्म के कारण डिस्टर्ब हो गई, हम ये कह सकते हैं। लेकिन आज भी कुछ एनर्जी फील्ड्स ऐसी हैं जिनको हम टच भी नहीं कर सकते, जैसे सन से आने वाली एनर्जी आज भी प्योर है, मून से आने वाली एनर्जी आज भी प्योर है, स्टार से आने वाली एनर्जी आज भी प्योर है, क्योंकि हम उसको इंटरवीन नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आप यदि प्लांट को देखो, प्लांट के अंदर बहुत ही ध्यान से देखें तो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है, मतलब फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। इसका मतलब कि प्लांट्स अपने शरीर
मतलब अपना जो पोषण करते हैं वो सन्स एंड की एनर्जी को लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश से ही हर पेड़ पौधा अपने भोजन का निर्माण करता है, और जब हम कोई भी फल या सब्जी खाते हैं तो बेसिकली हम वही केमिकल एनर्जी को लेते हैं। अब हमारे जो शास्त्रों में या युग युगांतर में पहले शाकाहारी भोजन किया जाता था, उसका अपना एक मीनिंग था, उसका एक मीनिंग था। मीनिंग था मतलब कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमेशा एक, आप यदि बहुत ध्यान से देखो तो वो अपनी एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में है। प्लांट स्टैटिक है, मतलब प्लांट ऑल द टाइम वो नेचुरल एनर्जी को अपने अंदर इम्बाइब कर रहा है ना। आज यदि साइंस को भी आप देखो तो साइंस भी बताती है कि यदि आप पानी के ऊपर मून का इफेक्ट देखो तो हर मून की साइकिल में पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि समुद्र के अंदर भी ज्वारभाटा आता है या जो हाई टाइड्स आती हैं वो मून फेज में आती है ना, क्योंकि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है, राइट। तो इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी पानी है, और प्लांट के अंदर क्योंकि वो प्लांट ऑल द टाइम एक ही जगह पर खड़े होकर उस मेडिटेटिव स्टेट के अंदर एक कांस्टेंट सन की एनर्जी, यू नो ऑल द टाइम जो सन की एनर्जी में भी पूरा दिन भर में एक जो पैटर्न है, जो एनर्जी का लेवल है वो चेंज हो रहा है। जैसे सनराइज होता है तो एनर्जी लेवल इज डिफरेंट, जब सनसेट होता है तो एनर्जी लेवल इज डिफरेंट, जब मून राइज होता है तो एनर्जी लेवल इज डिफरेंट, व्हेन मून इज नॉट देयर अमावस्या एनर्जी लेवल इज डिफरेंट। तो कहने का मतलब है प्लांट्स आर द ओनली स्पीसीज विच आर इन कॉन्स्टेंट टच विद द नेचुरल सोलर सिस्टम एनर्जीज, है ना। तो वो चाहे जो भी एनर्जी है उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और उसी एनर्जी के साथ ऑल द टाइम टच में है, और वही एनर्जी के साथ वो अपने फूड का मतलब अपने अंदर सिंथेसिस कर रहे हैं और उसी फूड को हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो हम जितना प्रकृति के अंदर कनेक्ट होकर, जितना हम रॉ, हम कहते हैं ना कि हमने रॉ फूड खाने के बाद कोई बीमार नहीं पड़ता, तो कोई कारण होगा ना। हम बेसिकली हम सोचते हैं कि हम ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट खाते हैं, बट बेसिकली नहीं है, हम ना एनर्जी को ही कंज्यूम करते हैं और वही एनर्जी हमारे सिस्टम का पार्ट बनती है, यही एक सच है। दूसरी चीज़, हम यदि इसको दूसरे तरीके से देखें, आज साइंस हमें ये बताती है जो लोग पानी पे काम करते हैं कि पानी की दो फॉर्म होती हैं। एक होता है पानी डेड वाटर, जो पानी हम पीते हैं वो जनरली डेड वाटर है। डेड हम उसे इसलिए कहते हैं कि केमिकली तो वो भी H2O होता है, लेकिन हम यदि उसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखें तो वो एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर मतलब वो कैरियर का काम नहीं कर सकता। लेकिन जब यही पानी सन के अंदर रखा जाता है, मून के अंदर रखा जाता है, या हम इसको इंफ्रारेड रेज देते हैं, तो यही पानी का स्ट्रक्चर, या हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं अपने मुंह से बोल के, हम लव कहते हैं, तो पानी का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऑर्डर्ड, यू नो एक बहुत ही डायमंड लाइक बिल्कुल प्योर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, जब हमने वाइब्रेशन दिया तो हमने वही एनर्जी फील्ड से उस पानी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अरेंजमेंट को चेंज कर दिया, है ना। लव, तो लव हमने जब फीलिंग के साथ लव कहा तो वो उस वाइब्रेशन फील्ड की एनर्जी ने उस पानी के केमिकल स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, तो उसका एक दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। जब हमने कहा पीस तो दूसरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और हमने जब उस पानी को कंज्यूम किया तो हम धीरे धीरे लवफुल बींग बन गए। इसका मतलब कि जो चीज़ हमने, जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन फील्ड हमने उस पानी को दी, वो फील्ड हमारी बॉडी का हिस्सा बन गई। इसी तरह से जब हम, हमारे शरीर में जो डेड वाटर होता है, हम कहते हैं ना हमने सनलाइट में जाकर के कोई बीमार नहीं हुआ आज तक। पुराने ज़माने में जो घर होते थे वो बिल्कुल खुले होते थे ऑल द टाइम, मतलब कोई ओपन सर्फेसिस होती थी, तो ये बीमारियाँ ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब आदमी धूप के अंदर काम करता था, खेतों में काम करता था, खुले घरों में रहता था, तो वहाँ पर वायु तत्व वैसे ही बैलेंस रहता था। उसके शरीर के अंदर जो पानी है, क्योंकि पानी डेड वाटर लिविंग वाटर में सनलाइट के प्रेजेंस में भी इंटर कन्वर्ट होता है, और जब पानी लिविंग होता है तभी वो उस पानी के अंदर अपना एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और वही ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपके शरीर के अंदर, पानी का काम क्या है, मतलब ब्लड के थ्रू किसी भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाना, मतलब पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ही हमारे शरीर में सारा फूड जो भी हम खाते हैं वो सर्कुलेट होता है और बॉडी से सारा वेस्ट बाहर निकलता है। अब हम ये मान लें कि यदि हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल जिसको खाने को लेकर जाना है वो यदि टूटा फूटा है, तो क्या वो ढंग से लेके जा पाएगा? नहीं लेके जा पाएगा। तो आप आज खा तो रहे हैं, लेकिन जो खाना आपके शरीर के जिस पार्ट को मिला ही नहीं, वो पार्ट क्या हो गया, वहीं पर ही आपके दर्द शुरू हो गया। दर्द का मतलब है कि वो शरीर का पार्ट आपका कमज़ोर है जिसको एनर्जी नहीं मिल रही, और वो एनर्जी से ब्लॉक हो गया। दूसरी चीज़, ये एक वो एस्पेक्ट है। तो जब आप, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप प्रकृति से जुड़ते हो, आप अपनी बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करते हो, आप अपनी बॉडी को वाटर के साथ कनेक्ट करते हो, तो उसी समय आप नेचर के साथ जुड़ जाते हो। तो माँ प्रकृति के साथ जुड़ने से ही तुरंत ही आपकी बॉडी
नेचुरल साइकिल्स की जो एनर्जी है उसको रिसीव करने लग जाती हैं। एक दूसरी बात, क्वांटम हीलिंग में हम देखते हैं कि देखिए मन भी हमारे डिजीज़ को रेगुलेट करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। हमने अभी कहा कि हम बीइंग एन ह्यूमन एनर्जी बींग्स हैं। एनर्जी बींग्स का मतलब है कि हमारे अंदर पार्टिकल और वेवलाइक करेक्टर है। कभी आप ये मान सकते हैं कि सबका अच्छा चाहने वाला का कभी बुरा होगा। हम कहते हैं ना कर्म लौट कर आता है, ये बोलते हैं तो, या फिर किसी का बुरा सोचने वाले का कभी अच्छा होगा। कभी सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा होगा, है ना। ये कर्म भी जो वापस जा रहा है वो किस रूप में जा रहा है और किस रूप में लौट कर आ रहा है। देखिए हम ये मान के चलते हैं कि जो भी बुराइयाँ हैं, जैसे मान लीजिए कोई गुस्सा है, किसी के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति दर्द है, किसी के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा प्यार है, ये सब क्या हैं? हमारे माइंड की इमोशनल स्टेट हैं। और ये माइंड की इमोशनल स्टेट का मतलब है कि यदि हमने किसी के प्रति जेलसी को अपने मन में रख लिया, हमने किसी के प्रति गुस्से को अपने मन में रख लिया, ईर्ष्या को अपने अंदर मन में रख लिया, तो हमारे अंदर हमने क्या करा, हमने अपने लिए बीमारी का रास्ता खुद ही चयन किया। किस लिए किया? आप देखेंगे कि जो इस पाथ के ऊपर चल पड़ता है, जो ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, ज़्यादा जलने लगता है, ज़्यादा परेशान रहता है, ज़्यादा दुखी रहता है, वो आदमी बहुत ही कम समय में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसका कोई कारण होगा। क्या हो गया ऐसा? उस इंसिडेंस ने क्या किया? उस इंसिडेंस ने उसके मन को अफेक्ट करा। मन को अफेक्ट करने का मतलब है कि उसकी अंदर की वाइब्रेशनल फील्ड को उसने अफेक्ट करा। और जब इंसान ने किसी के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या, दर्द को अपने अंदर मतलब गहराई से पकड़ लिया, तो वो मान के चले कि उसने अपने शरीर में इंटेंशनली उस वाइब्रेशनल एनर्जी को, उस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी को फिक्स कर दिया, जो अब वो क्या करेगा कि वो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव एनर्जी के साथ ही, क्योंकि बाहर बाहर क्या है, देखिए जो हम अंदर हैं वही हम बाहर के साथ बाहर से ले सकते हैं, है ना। तो हमने अपने आप को एक फिक्स पॉइंट दे दिया, मतलब अपने मन को, कि नाउ वो उस फ्रिक्वेंसी की नेगेटिव एनर्जी अब ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आती रहेगी। अब हमें प्रयास नहीं करना, शुरू में हमें ध्यान देना था, लेकिन अब हमने क्योंकि उसको रिटेन कर लिया, तो जब हम उसको रिटेन करेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली अब हमारे अंदर आती रहेगी। और जब वो हमारे अंदर आएगी तो वो नेगेटिव एनर्जी वो भी धीरे 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 एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। और ये नेगेटिव एनर्जी के एक्यूमुलेशन ही फिर हमारे शरीर की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा, और बहुत ही जल्दी जहाँ हमने उस एनर्जी को स्टोर किया होगा वहाँ से जो भी हमारा एनर्जी चक्रा डिसबैलेंस होगा, वो एनर्जी चक्रा जिस बॉडी सिस्टम या बॉडी ऑर्गन के साथ लिंक्ड होगा, वो पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल पार्ट अफेक्ट हो जाएगा और आप उसी बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि मन, बुद्धि और संस्कार, मतलब यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। क्या इसका मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर हर चीज़ का मूलभूत आधार भगवान ने मन ही बनाया है। तो हम यदि मन को अपना अच्छा कर लेंगे, मन को हल्का कर लेंगे, तो मन को अच्छा और हल्का करने का मतलब है कि मन को हमने इतना लाइट कर दिया कि नाउ वी आर ऑटोमेटिकली बिकमिंग अ रिसीवर ऑफ द लाइट एनर्जी और द हाईएस्ट एनर्जी विच आर प्रेजेंट ऑल अराउंड। तो हम क्या है कि हम ऑल द टाइम जो डिफरेंट एनर्जीज को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, वो हम कौन सा रिसीवर बनते जा रहे हैं, ये हमारी इंटरनल चॉइस है और ये हमें कॉन्शियसली मतलब हमें डिसाइड करना चाहिए। तो दिस लुक्स मी द राइट पाथ फॉर द क्वांटम हीलिंग। इसीलिए मुझे लगता है कि लाइक जिन्होंने क्वांटम हीलिंग को ट्रूली एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई ये पॉसिबल है और इस मैकेनिज्म को समझा, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि लाइक हमें किसी भी बाहर के एक्सटर्नल मॉलिक्यूल की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से हमें ये बात और आज मॉडर्न साइंटिस्ट को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे बेसिकली रीज़न जो है वो, यदि हमारा मन ठीक है ना तो हमें कोई बीमारी होगी ही नहीं। हम यदि अपने शरीर में आज 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे तो हमारे शरीर में कोई बीमारी होगी ही नहीं। हमारे शरीर में भगवान ने न्यूरोटॉक्सिक जैसा कुछ नहीं बनाया। हम अपने शरीर में अपने फूड स्टाइल से, अपने लाइफ स्टाइल से टॉक्सिन को क्रिएट करते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें अपनी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, फिर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। अब इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आज हमारे, हमें पता है कि हमारे 5 तत्वों में 70 से 80% मान लीजिए पानी है, ठीक है। आज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो फूड की तरफ भी देखें तो कैसा होता जा रहा है। आज हम नेचुरल फूड खाने की बजाय हम प्रोसेस फूड खाते हैं, हम डायरेक्ट मिल्क लेने की बजाय हम मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, ठीक। हम बिस्किट खाते हैं, हम घर में खाना बनाने की बजाय हम बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। आप यदि इन फूड को देखो जो भी आज कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है, उस फूड के अंदर क्या है? उस फूड के अंदर या तो वाटर कंटेंट है ही नहीं, वाटर कंटेंट है ही नहीं, या फिर जितना भी पानी कहीं है तो वो बिल्कुल ही डेड फॉर्म में है। तो हमने जब वो फूड खाया, हमने तो सोचा कि हमने पिज्ज़ा खाया, बर्गर खाया, हमने कुछ भी खाया,
लेकिन वो हमने खाया तो हमने खाया क्या, हमने तो नेगेटिव एनर्जी को ही कंज्यूम किया और ये नेगेटिव एनर्जी ही हमारे अंदर जाकर के हमारे शरीर का हिस्सा बनने वाली है। तो हमने यहाँ पर कोई वाटर एलिमेंट खाया ही नहीं। हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए इन पांचों तत्वों को बैलेंस करना ज़रूरी था। इसका मतलब हमारे हमें जो खाना खाना चाहिए वो वाटर रिच होना चाहिए। और कैसा वाटर रिच? जो रॉ फूड हो, जो हमें प्लांट से मिल रहा है, यू नो, शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन के अंदर भी जो फल हम खाते हैं, जो सब्जी हम खाते हैं, बेसिकली जब हम उसको रॉ कंज्यूम करेंगे तो उसके अंदर भी वही प्रपोर्शन जल तत्व का है। और जल तत्व जो उस प्लांट के अंदर फूड फ्रूट मटेरियल में या वेजिटेबल के अंदर अवेलेबल है, वो कैसा वाटर है? वो बायोलॉजिकल वाटर है। रिमेंबर दिस, हमारे पास आज की तारीख में कोई भी लिविंग फॉर्म ऑफ वाटर अवेलेबल ही नहीं है एक्सेप्ट द प्लांट सोर्सेज। इसलिए जब भी आप कोई रॉ फूड खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो नेचुरल एनर्जी को ही आप इम्बाइब नहीं करोगे, बल्कि आप उस फ्रूट के साथ साथ या उस सब्जी के साथ साथ आप अपने शरीर के अंदर उस लिविंग वाटर को भी इनकॉर्पोरेट करोगे। और लिविंग वाटर का तो रोल पता ही है, क्योंकि लिविंग वाटर तो अपने आप में एक बहुत ही सिमेट्रिकल वाटर है, वही आपके शरीर में सारी चीज़ों को एक दूसरे तरफ लेके जा रहा है। तो हम आज करते क्या है, हम सैलेड तो खाते नहीं, हम जिस तरह का फूड खाते हैं वो बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में जा कर के डाइजेस्ट ही नहीं होता। मतलब दो चीज़ें हैं, एक चीज़ कि वो डाइजेस्ट होगा नहीं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ऐसे कोई एंजाइम्स ही अवेलेबल नहीं है जो इस डेड फूड को डाइजेस्ट कर सकें। जनरली आज साइंस ये भी कहती है, जितने भी लोग फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग करते हैं, कि पील्स के अंदर बहुत कुछ है। हमें ये समझना चाहिए कि नेचर ने जब एक कवरिंग बनाई है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल के चारों तरफ, तो उन्होंने वो कवरिंग क्यों बनाई। आज मॉडर्न साइंस देखती है कि हाँ, पील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पील के अंदर भी ये कंपाउंड है। हमें ये समझना चाहिए कि उस पील के अंदर ही उस फ्रूट को या उस वेजिटेबल को डाइजेस्ट करने के एंजाइम मौजूद हैं। तो जब हम छिलका उतार के कोई चीज़ खाते हैं, तो हमने छिलके के साथ साथ उन एंजाइम को तो अलग कर दिया जिसने उसे पचाना था, और हमने उस डेड फूड को कंज्यूम कर लिया, वो भी बहुत सारे तरीके से प्रोसेस करके। तो हमने क्या करा, हमने तो बेसिकली अपने ही हाथों से नेचुरल एनर्जी को इंटर कन्वर्ट कर दिया, एंड देन वी आर थिंकिंग दैट वी विल बिकम हेल्दी। तो इट्स एन फुलिश स्टेप, वो कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि जब हम कोई भी ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या हम कोई भी चीज़ें ऐसी ना खा करके जब हम ये डेड फूड खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर क्योंकि इनके एंजाइम्स नहीं होते, तो क्या होता है कि या तो ये फूड बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, ठीक है, या फिर ये डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो जब वो ज़्यादा टाइम लेता है और डाइजेस्ट नहीं होता, तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि इस फूड के अंदर वाटर नहीं है, वाटर का कंटेंट कम होने से हमारी इंटेस्टाइन जब फूड को एब्जॉर्ब करेगी तो वो उसको प्रॉपरली एक्सक्रीट कर ही नहीं सकती। तो जब शरीर के अंदर पानी का कंटेंट कम है, हमारी आंतों के अंदर नमी कम है, तो हमारे शरीर में क्या होगा, वेस्ट रिलीज नहीं होगा। और जब ये वेस्ट रिलीज नहीं होगा तो यही हमारे शरीर के अंदर जा करके हमारी इंटेस्टाइन इसको रीअब्जॉर्ब करेगी, और यहीं से ही हमारे शरीर के अंदर न्यूरोटॉक्सिन बनने शुरू हो जाते हैं। और फिर यही न्यूरोटॉक्सिन धीरे 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 मतलब ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में पहुँचते हैं। और जब ये पहुँचते हैं तो ये क्या करते हैं कि बिकॉज दे आर स्टिक इन द नेचर, सो दे विल स्टिक ऑन द वॉल्स ऑफ एन आर्टरीज। और जब यही आर्टरीज के ऊपर जाकर के स्टिक हो जाएंगे, तब ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। और जहाँ भी ब्लड का फ्लो कम होता जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर ही हमारी बॉडी का वही पर्टिकुलर पार्ट और वही पर्टिकुलर ऑर्गन एनर्जी में डेफिसिट होता जा रहा है। और जहाँ एनर्जी डेफिसिट होगा, वहीं से ही डिजीज़ का ओरिजिनेशन होगा। तो इसी तरह से एक दूसरी चीज़ हमें आज ये भी देखना है कि क्योंकि हम अपना ये फूड और लाइफ स्टाइल हम अपना चेंज कर लिया, आज हम किसी भी मर्जी समय पर खाते हैं, यू नो, कैसे भी खाते हैं, सड़क पे खाते हैं, बाहर खाते हैं, कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन के बिना खाते हैं, एक दूसरे से छीन कर खाते हैं, इन सब ने हमारे अंदर क्या किया, बेसिकली हम ऑल द टाइम बेसिकली हम नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करते चले जा रहे हैं। आप यदि इसको ध्यान से देखें कि हमारे शरीर में दो प्रोसेस हैं, एक है डाइजेशन, दूसरा है हीलिंग। हम जो फूड खाते हैं, एक तो हमने फूड अपने स्टमक को डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत थी, जो उस फ्रूट या वेजिटेबल में अवेलेबल था, वो हमने निकाल दिया। और हमने अब क्या करा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फोर्स किया, यू नो, फोर्स किया कि अब तुम्हें हमने दे दिया, अब तुम इसे डाइजेस्ट करो। हमने कुछ भी मिलाया खाया, हमने कहा इसको डाइजेस्ट करो, वो डाइजेस्ट कहाँ से करेगा, उसके पास है ही नहीं, है ना, या फिर वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टेप लेगा और फिर वो जाकर के उसको डाइजेस्ट करेगा। तो जो काम, जैसे हम यदि फ्रूट्स खाते हैं, वो 3-4 घंटे में हमारा शरीर एब्जॉर्ब करके उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हम यदि कोई हैवी फूड खाते हैं तो, और हम मैकेनिकल वर्क करते नहीं, मैकेनिकल वर्क हम करते नहीं, हम बैठे बैठे खाना खाते हैं, हम हमारा सारा काम बैठे बैठे ही चाहते हैं। आज की तारीख में हम चाहते हैं हम ऑनलाइन ऑर्डर करें, हमारे पास चीज़ें आ जाएँ। तो हमने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिया और हमने उसके अंदर सिर्फ कंज्यूम करके जो हमने जिस समय भी चाहें जो मर्जी हमने उसमें भरना शुरू कर दिया। तो ये कैसी स्टेट हो गई, ये एक ऐसी स्टेट हो गई कि हमने जैसे किसी एक इंसान को ये कहा कि ये भारी वजन तुम उठाओ
और तुम अभी 500 किलोमीटर तक जाओ। वो बेचारा किसी ना किसी तरह से बिना किसी व्हीकल की सहायता से, क्योंकि एंजाइम नहीं है, तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे जो इंसान जा रहा है उसके पास कोई व्हीकल नहीं है कि उसको कैसे जाना है, वो किसी तरह से वो 500 किलोमीटर का रास्ता तय करके वहाँ पर पहुँचा, तो वो कैसा हो गया, थकाहारा हो गया, थकाहारा हो गया। फिर उसको दोबारा कहा गया कि अब तुम फिर 500 किलोमीटर उठाओ और तुम फिर दोबारा आगे 500 किलोमीटर जाओ। तो आज की हमारे शरीर की ऑर्गन की स्टेट एक्चुअली में ऐसी ही हो गई है। हम जब जिस तरह से फूड को अपने प्रोसेस करके, हम जितने भी ये बाहर के प्रोडक्ट्स खाते हैं, ड्राइड प्रोडक्ट्स खाते हैं, उसमें हम अपने शरीर को के ऑर्गन को बेसिकली फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि तुम इसे डाइजेस्ट करो, करो, करो। और जब हम डाइजेस्ट करते हैं, मतलब वो पूरा डाइजेस्ट करने के बाद हमने उसको आराम दिया ही नहीं, तो उस समय में क्या होता है कि जब हमारे शरीर में डाइजेशन हो रहा होता है ना, उस समय में हमारे शरीर में हीलिंग नहीं होती, शरीर की एनर्जी डाइजेशन में ही लग जाती है, वो हीलिंग नहीं होती। तो बॉडी में हमारे इस लाइफ स्टाइल से हो क्या क्या हो क्या रहा है कि हम हमारे इंटरनल सिस्टम को हम खुद ही डिसबैलेंस कर रहे हैं। मतलब हम जब डाइजेशन कर रहे हैं उस समय में हीलिंग तो हो ही नहीं रही, और ऐसा तो नहीं है कि हमारे शरीर के इस पूरे मेटाबॉलिक पाथवे में कहीं भी वियर टियर नहीं होता। बॉडी में वियर टियर होता है, लेकिन हम उस वियर टियर को, बॉडी को हम टाइम ही नहीं देते कि उस वियर टियर को कर सके। हम फास्टिंग ही, हमारे शास्त्रों में बताई गई है फास्टिंग, आज हम कह रहे हैं कि उसको नोबेल प्राइज मिल गया कि उसको फास्टिंग करने वाले को कभी कैंसर नहीं होगा, ये एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमारे यदि हम शास्त्रों को उठाकर देखें तो एकादशी होती है, कोई भी व्रत होता है, उसका अर्थ ही यही है कि आप जब फास्टिंग कर रहे हो तो उस समय में आप अपने बॉडी के ऑर्गन्स को रेस्ट कर रहे हो, और इसका बहुत ही डीप कोरिलेशन है। क्योंकि जब हम हमारे आज हमारा क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, आज हमारे पास कंप्यूटर्स, या जो हम मॉडर्न लाइफ में हम जितनी भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, हमारे इस लाइफ स्टाइल डिजीज़, मतलब लाइफ स्टाइल से ही बहुत सारी डिजीज ओरिजिनेट हो रही हैं। लाइफ स्टाइल का मतलब है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, और आज हम वो फूड खा रहे हैं जिसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लेके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को उस फूड को डाइजेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म को हम खुद स्टॉप कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम क्योंकि प्रकृति माँ से बिल्कुल दूर जा रहे हैं, और इसी तरह से इसी रास्ते पे चलते चलते हम नई नई डिजीज़ को अपने अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। और आज हम ये सोचते हैं कि हम किसी जीन के अगेंस्ट, हम किसी डीएनए के अगेंस्ट, हम किसी आरएनए के अगेंस्ट, या हम किसी प्रोटीन के अगेंस्ट कोई एक ड्रग डिज़ाइन करके हम उस बीमारी का हल ढूंढ लेंगे। तो ये बिल्कुल ही एक ऐसा रास्ता आज की तारीख में मुझे नज़र आता है कि हमें जाना तो पूर्व की तरफ है और हमने पश्चिम की तरफ का रास्ता पकड़ लिया। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आज की मॉडर्न साइंस इसी दिशा में जा रही है। तो जिस दिन हम चीज़ों को बिल्कुल गहराई से समझेंगे कि बेसिकली रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए, उस तरफ, उसी दिन हम शायद कोई भी ऐसी बीमारी हमारे शरीर में होगी ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने इनबिल्ट मैकेनिज्म हीलिंग का एक ऐसा बनाया है कि बॉडी को पता है, बॉडी को पता है कि उसे किस तरह से रिपेयर करना है। एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने एक और भी पढ़ी थी और मैं शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम बहुत से इंजेक्शंस ले लेते हैं, एक चीज़ है कि हमारे शरीर के अंदर ना, हम यदि डिटेल में देखें तो सेल के हर पार्ट में बॉडी को रेगुलेट करने का एक बहुत ही डिफाइंड मैकेनिज्म होता है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म के पाथवेज हों, चाहे वो कोई भी पाथवे हो, कोई भी पाथवे हो। तो उसके पास मकैन, उसे पता है कि ये चीज़ कम हो गई है तो मुझे कौन सी चीज़ बढ़ानी है, बॉडी ऑटोमेटिकली नोज। तो हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारी पूरी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो एक तो बॉडी है कि बॉडी सेंस कर रही है कि बॉडी में कहाँ कमी है, बॉडी खुद ही सेंस कर रही है ना, और वो उस बॉडी को सेंस कर रही है, और दूसरा वो उसको रिपेयर करने के लिए वो नेसेसरी आउटपुट दे रही है, सिग्नल दे रही है बॉडी को कि अब तुम इसे इस तरह से रिपेयर करो। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली आज हम मॉडर्न साइंस में हम जाने लगे इंजेक्शंस की ओर, दवाओं की तरफ। तो हमने क्या करा, जब हमने मान लीजिए कोई एक इंजेक्शन ब्लड में दे दिया, तो आप ये मान के चलो कि कोई भी इंसान इंसुलिन के इंजेक्शन लेके मिलने के बाद डायबिटीज से कभी ठीक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ आपने इंजेक्शन का मतलब है कि आपने वो पर्टिकुलर डोज जो बॉडी के अंदर कम थी वो आपने एडिशनली दे दी। अब यहाँ आपके ब्रेन को नहीं पता, ये ब्रेन के लिए डिसाइडेड नहीं है, ब्रेन आपकी फिजियोलॉजी को देख रहा था, जो आपने ऑल ऑफ अ सडन दे दिया और वो जाकर के मिल गया, तो ये ब्रेन के लिए भी कैसा हो गया, एक शॉकिंग सिग्नल हो गया, कि ब्रेन को ये पता ही नहीं है कि ये मॉलिक्यूल कहाँ से आया, क्योंकि वो तो फिजियोलॉजी को देख रहा है, राइट। तो यही एक ऐसे, मतलब मुझे लगता है कि यही एक मूलभूत कारण है जो किसी भी डिजीज के लिए आज रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे अंदर चाहे इंसान को, मतलब हर रास्ता इंसान के लिए ओपन है, वो आज जो भी है, जहाँ भी है, जिस रूप में भी खड़ा है, उसके अंदर आज पूरा 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 पोटेंशियल आज भी है कि वो अपने आप को, मतलब सही रास्ते पे ले जा करके अपना मन, वचन और कर्म से अपने इन पाथवे को बदल सकता है। और जितना जितना हम इन पाथ को समझते चले जाएंगे, उतना ही आत्मा
बिल्कुल एक सही रास्ते को अपने आप अडॉप्ट करती चली जाएगी। मुझे तो भगवान का ये जो बनाया रास्ता है ना कि मायातीत, माया से दूर कर्मातीत, बहुत ही डिफाइंड मैकेनिज्म है यदि हम इसको गहराई से समझें कि कर्मातीत अवस्था कि कितना ब्यूटीफुली नेचर हमारे कर्म को हमारी आत्मा में रिकॉर्ड करती है और फिर जैसे जैसे हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त होते जाते हैं हमें कर्मातीत बना देती है। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसको भी बहुत गहराई से इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। तो यही मतलब मुझे सही रास्ता लगता है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। सबको परम शांति।